कब जयपुर में आएंगे और कब विधायकों की बैठक चूंकि होगी? उनके पहले से कोई कार्यक्रम नियत होंगे, तो जैसे ही उनका समय आएगा यहाँ विधायक दल की बैठक को तिथि तय हो जाएगी। मंजूश जी, संभावना क्या मानेंगे कि कब तक आएंगे और कब विधायक दल की बैठक हो जाएगी? मैं मानता हूँ शीघ्र ही उसकी बैठक होगी और बहुत जल्दी इसकी सूचना मिलेगी। एक सवाल ये भी उठा है जोशी जी राजनीतिक गलियारों में कि राजस्थान में एक मुख्यमंत्री की शपथ के साथ दो उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई नजर आती है क्योंकि आप पार्टी के मुखिया है प्रदेश के? देखिए, इसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उस हिसाब से, मैं तो ये कह सकता हूँ कि विधायक दल की बैठक के बाद आगामी सारी प्रक्रियाएं पूरी होगी। संभावना है कि दो मुख्यमंत्री, इसके बारे में मेरा अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन जो भी होगा प्रदेश के हित में होगा और अच्छा होगा। अच्छा, मुख्यमंत्री जी की शपथ के साथ ही कुछ मंत्रियों की भी शपथ दिलाई जा सकती है विशेष समारोह में? वो विधायक दल की बैठक के जस्ट बाद आपको उसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। चेहरों को लेकर सवाल उठ रहा है कि कई चेहरे हैं, तो क्या दावेदार ज्यादा है राजस्थान में इसीलिए समय लग रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, विधायक दल की बैठक होते ही उसके बाद सारी प्रक्रियाएं तय होगी और दावेदार ज़्यादा होना कोई गलत नहीं मानता मैं, इतने योग्य लोग हैं, तो जल्दी उसके बाद, चूंकि विधायक दल की बैठक के बाद ही सारे निर्णय होंगे, तो उसके बाद सारे चीज़ें साफ हो जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल बड़ा बयान दिया था, आपने हालांकि प्रतिक्रिया भी दी, वो ये कहते हैं कि आपके यहाँ फूट है इसलिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं बाड़ेबंदी को लेकर भी चर्चाएं रही, उसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। उनको पहले अपना घर देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है, एक मजबूत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। यहाँ न तो किसी बाड़ेबंदी की आवश्यकता है, ना किसी को कहीं इकट्ठा करने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा सभी माननीय विधायक चुनाव जीतने के बाद सभी अपने देवदर्शन में लगे हैं, जनता जनार्दन का आभार प्रकट करने में लगे हैं, और जैसे ही बैठक की तिथि तय होगी वो सब लोगों को यहाँ जयपुर बुला लिया जाएगा। जोशी जी, मान के चले कि जो राजस्थान में 115 विधायक आपकी जीत कर आए हैं वो सभी मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं, या मतलब वो सभी मुख्यमंत्री बन सके, उनमें से कोई भी बन सकता है, मतलब कोई जो गिने चुने जो नाम चल रहे हैं, क्योंकि दौड़ के 7 या 8 नाम चल रहे हैं? देखिए, आंतरिक लोकतंत्र है और जो भी शीर्ष नेतृत्व और उस बैठक में तय होगा निश्चित रूप से प्रदेश के हित में होगा, जो भी होगा प्रदेश के हित में होगा। होगा ये कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का, क्योंकि लगातार सीएम चेहरे को लेकर कश्मकश जारी है और उसी को लेकर वो मीडिया के सामने आए।